नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। यहां पहली खबर सामली से है, जहां पर इन दिनों कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि यहां पर बहराइच से खबर सामने आई है, जहां पर जनपद सदर सीट में से बीजेपी विधायक और यूपी की पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां मोर्चा खोल दिया है। नगर के नवागढ़ी मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने कई सालों से मोहल्ले में जल भराव की समस्या को लेकर शासन सत्ता सहित सदर विधायक से लिखित शिकायत करते हुए उनकी समस्या हल करने का यहां आग्रह किया है, लेकिन विधायक की ओर से अभी तक कोई भी सार्थक कदम यहां नहीं उठाया गया, जिसके बाद आज नवागढ़ी समेत नगर के कई इलाकों में लोगों के कार्य तथा विकास कार्य न होने को लेकर यहाँ पर लोग नाखुश नजर आए। देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, और इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने माननीय विधायक जी को यहाँ से विधायक चुना, लेकिन उसका रिजल्ट हम लोग को बहुत ही विपरीत मिला, जिसके संदर्भ में आज हम लोग को इस हद तक आना पड़ा कि सभी मोहल्ले वासियों ने आपस में एक निर्णय लिया, एक बैनर बनवाया कि जिसमें अगर नगर विधायिका इस बार फिर से आती हैं तो हम लोग उनका पूर्ण बहिष्कार करेंगे और किसी भी तरीके का ये मोहल्ला उनका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने जितने वादे किए उसमें से एक भी इस मोहल्ले के लिए पूरा नहीं। खबर संभल से सामने आई, जहां पर आचार संहिता लागू होने के बाद यहां पर ज़िले में कार्रवाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि संभल में आचार संहिता लागू होते ही यहां प्रशासन एक्टिव मोड पर नज़र आ रहा है। डीएम संभल संजीव राजन ने यहां प्रेस वार्ता कर आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि ज़िले में 15 जनवरी तक रैली, नुक्कड़ और सभा समेत चुनाव प्रचार पर निर्वाचन आयोग की ओर से यहाँ रोक लगाई गई है। डीएम ने बताया कि संभल में 903 मतदान केंद्र और 1810 बूथ बनाए गए हैं। संभल में दूसरे चरण के चुनाव यानी कि 14 फरवरी को मतदान होगा। इस दौरान डीएम ने सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देशन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना नियमों को लेकर उल्लंघन करने वालों पर यहां कड़ाई बरती जाएगी। नॉर्मली एक कंप्लेन ये आने लगता है कि उसका कैंडिडेचर कैंसिल करने के लिए कि कैंडिडेचर कैंसिल किया जाए, तो इस संबंध में आप स्पष्ट हो जाइए कि केवल ऊपर के किसी मापदंड को नहीं अगर पूरा करते हैं, किसी मेजर्स को नहीं पूरा करते हैं, तो उनको अगली रैली या मीटिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। खबर रायबरेली से है, जहां पर आचार संहिता लागू होने के बाद यहां प्रशासन काफी अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लगने के बाद 24 घंटे के अंदर ही रायबरेली के में इसके उल्लंघन का मामला सामने आया है। यहाँ ज़िला अस्पताल में CHMS का चार्ज लेने के लिए जिस गाड़ी से डॉक्टर नीता साहू पहुँची थी, गाड़ी में बीजेपी की प्रचार सामग्री से पटी नज़र आई। खबर शामली से है, जहां पर आचार संहिता लागू होने के बाद यहां पोस्टर और बैनर हटवाने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही शामली ज़िले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही शामली में प्रशासन ने राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और पोस्टर और दूसरी प्रचार सामग्री को यहाँ उतारने का काम शुरू कर दिया है। खबर कानपुर से है, जहां पर आचार संहिता लागू होने के बाद भी यहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित हो चुकी है। इसके साथ ही राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसके तहत कोई भी राजनीतिक दल या नेता चुनावी रैलियों सहित अन्य कार्यक्रम नहीं कर सकता। वहीं कानपुर देहात में ज़िले में आदर्श आचार संहिता लगने के बावजूद भी यहाँ आदर्श आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाने का मामला सामने आया। यहाँ बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला एक स्कूल में महिलाओं को बुलाकर कंबल बांटती हुई नजर आई।
खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर आचार संहिता की यहां धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। आपको बता दें यहां पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर मामला सामने आया है। निघासन के महात्मा बुद्ध लोक कल्याण विद्यालय में समाजवादी पार्टी के नेता आरएस कुशवाहा की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सपा नेता की ओर से आयोजित की गई जनसभा को यहां तत्काल बंद करा दिया गया। खबर शामली से है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां यहां शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद शामली जनपद में पहले फेज के चुनाव में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का यहां समय निर्धारित किया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पहले फेज के इलेक्शन के बाद उन्होंने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि जिले में 9,56,000 मतदाता है। हाल ही में 18 और 19 साल के 10,000 मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। जिन जिन लोगों पे निरोधात्मक कार्रवाइयाँ कर रही हैं वो सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी बाउंड डाउन हो चुके हैं। उसके अलावा किन किन को गुंडा चिन्हित करके जिला बदर करना है वो सारी कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। उसके अलावा विशेष जो नज़र है जो लिकर पे या कैश पे या और भी जो लुभावने चीज़ें हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उन सब चीज़ों पर भी विशेष नज़र है। और इसके अलावा जो हमारे फोर्सेज बाहर से आने हैं उससे रिलेटेड भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एरिया डोमिनेशन का प्लान बन चुका है और इन सारे चीज़ों पर नज़र है। हम सारे एमसीसी के या फिर जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है या फिर जो इंडियन पिनल कोड है इसके तहत सारी कार्रवाइयां हम लोग करा रहे हैं और इसका सुनिश्चित कराएंगे कि सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हों। चुनाव आयोग की विशेष गाइडलाइंस हैं कि कोविड के चलते हुए हम लोगों को स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी हैं। वो जो हमें गाइडलाइंस मिली हैं उसके क्रम में हम लोग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हर बूथ पे एक कोविड हेल्प डेस्क रहेगा जहां बाहर स्क्रीनिंग की जाएगी वोटर्स की और उनको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, ग्लव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अंदर वोटिंग करते समय भी उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से लाइन जो है क्यूइंग जो है वो करी जाएगी। और जो बड़े हमारे पोलिंग सेंटर हैं वहाँ पे हम लोग इंश्योर करेंगे कि उनको इंटरनल पार्टिशनिंग करके पब्लिक को थोड़ा अलग अलग रखा जाए। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर जोनल स्कीम है वो हमारी लागू हो गई है। 11 हमारे जोन हैं, 94 हमारे सेक्टर्स हैं। इलेक्शन का अनाउंसमेंट होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ गया है। टीम्स लगा के हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी पोस्टर बैनर लगे थे उन। खबर संभल से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस काफ़ी अलर्ट नज़र आई। इसको लेकर संभल में विधानसभा चुनाव के पूर्व पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्री का यहाँ भांडाफोड़ करते हुए वहाँ से तमंचे, बंदूक और शस्त्र बनाने के उपकरणों को बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने यहाँ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जनपद संभल की पुलिस के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत लगातार अवैध शराब व अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज थाना असमौली की पुलिस के द्वारा वीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुल 5 बने हुए तमंचे, 2 बनी हुई राइफल तथा 6 अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। इसी प्रकार से थाना नखासा की पुलिस के द्वारा असलम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से कुल 6 बने हुए तमंचे व 1 राइफल बरामद की गई है। इनके साथ में इनके द्वारा बनाने के लिए में प्रयोग होने वाला सामान बरामद किया गया है। ये दोनों अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा आज करते हुए इन दोनों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। संभल पुलिस के द्वारा लगातार इस तरह की कार्रवाई आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि। खबर फरुखाबाद से है, जहां दबंगों को लेकर यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि फरुखाबाद जिले में पुलिस दबंगों पर लगाम लगाने के लिए यहां नाकाम साबित होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजपुरा थाना क्षेत्र में एक दबंग खुलेआम तमंचा लेकर यहां धमकी देता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो उसने सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस की नाकामी के चलते आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इन दबंगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर किन्नर समाज ने सीएम योगी का आभार जताया है। आपको बता दें कि यहां पर किन्नर समाज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना आभार जताया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में किन्नर विकास बोर्ड के दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर ने किन्नर सम्मेलन में भाग लिया। दर्जा प्राप्त मंत्री ने कहा कि ये किन्नर समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि प्रदेश सरकार ने पहली बार यूपी में किन्नर समाज के कल्याण के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। सबसे पहले मैं हमारी किन्नर प्रेसिडेंट और हमारी प्रधान संघ की अध्यक्ष काजल किरण जी का जी, जो हमारे कानपुर की है, नौबस्ता से सभासद रही हैं दो बार, और इनके और हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे तानिया मिश्रा जी, गुड्डन किन्नर जी, सबका मैं अभिनंदन करती हूं। आज शिकोहाबाद में 5,000 किन्नर भारतीय जनता पार्टी को माननीय योगी जी को आशीर्वाद दिए हैं। सब लोग ने आशीर्वाद दिए हैं, जो उनके सुखी रहे, संपन्न रहे उत्तर प्रदेश राज्य में। और आज सारे किन्नर की मांग है, जो किन्नर कल्याण बोर्ड के जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, वो हमारी काजल किरण जी को दिया जाए। वो पद अभी खाली है। और सारे उत्तर प्रदेश के किन्नर, आज कम से कम 5,000 किन्नर जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। आपके सामने विजुअल ले। खबर आगरा से सामने आई, जहां पर एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आगरा के खुर्जा में एक युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती के दोस्तों ने युवती को एक होटल में बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना को यहाँ अंजाम दिया है। पीड़िता ने 112 डायल कर पूरे मामले से अवगत कराया। पीड़िता की ओर से सामूहिक दुष्कर्म की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और यहाँ मामले की जाँच की जा रही है। क्या सूचना मिली सर आपको? एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 नंबर से कि एक महिला ने सूचना दी कि मेरे साथ दो व्यक्तियों ने गलत काम किया है। तो इस पर हम लोगों ने कहते हैं तत्काल महिला से पूछताछ की, तो ये प्रकाश में आया है कि ये महिला उस व्यक्ति के टच में है और कई बार ये आगरा उनके साथ आई हैं, कई और जगह भी गई हैं। अब उस व्यक्ति की निशानदेही कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करी जा रही है। ये किसी होटल का मामला है किसी? हाँ, इन्होंने बताया कि कई बार जब आई हैं तो अलग अलग होटलों में रुकी हैं और अपने आप को उसकी मित्र बता रही हैं और ये भी कह रही हैं कि उसको हम जानते हैं, उसका नंबर भी है, उसके नंबर के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खबर फरुखाबाद से है, जहां पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यहां पर फरुखाबाद जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र स्थित काली नदी पुल के पास ददोरा गांव की झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से यहाँ इलाके में सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर गन्ने के खेत में एक शव बरामद हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर एक युवक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर पीलीभीत के गंजौला थाना क्षेत्र के महुआ गांव स्थित गन्ने के खेत में एक अज्ञात शव मिला। खेत में अज्ञात युवक का शव मिलने से यहाँ हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने यहाँ शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर ठगी का एक मामला सामने आया है। ठगी के इस मामले के बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि यहां पर चोरी के वाहनों को ओएलएक्स पर बेचकर एक शातिर गिरोह लोगों के साथ ठगी की वारदात कर लोगों को चूना लगा रहा है। लगातार ऐसे ही अपराधियों के विरुद्ध यहाँ अभियान चल रहा है।
खबर आजमगढ़ से है, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले युवकों का यहां पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के स्वाट सर्विलांस और मुकरबापुर थाने के संयुक्त पुलिस ने अंतर्जेपीडीए वाहन चोर गिरोह का यहां भांडाफोड़ कर तीनों चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके पास से चोरी की 8 बाइक, 2 दर्जन मोबाइल, तमंचा और कारतूस को भी बरामद किया है। क्षेत्र में मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कल रात को जो है प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री योगेंद्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक संजय तिवारी, मैं हमराह थे इनके साथ। राजकुमार सिंह जो स्वाट टीम जिति के प्रभारी हैं, मौसम विलास टीम इस पर कार्य कर रही थी, तो रात को इनको सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो हैं चोरी मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो कि मोटरसाइकिल और मोबाइल बेचने के फिराक में हैं। इस सूचना पे इन लोग मौके पर पहुँचे तो जो है गुजर पार बाज़ार के पास संदिग्ध लोग दिखे, इन लोगों ने उनको पकड़ा तो उनके कब्जे से 9-10 मोटरसाइकिल और 20 चोरी मोबाइल प्राप्त हुए और इनके पास से 3। खबर उन्नाव से है, जहां पर जानवरों के जरिए किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान से यहां किसान काफ़ी गुस्से में नजर आए। जानवरों को पकड़ पकड़ कर यहां उन्होंने बंद कर दिया। जानवरों को बंद करने के बाद ग्रामीणों ने सदर विधायक पंजाब गुप्ता को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि सारे जानवरों को पकड़ कर रखिए, वो कैटल कैचिंग वाहन भेजकर सभी को गौशाला भिजवाएंगे। लेकिन वाहन ना पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक के प्रति यहां रोष जताया। खबर उन्नाव से है, जहां पर नगर पालिका की ओर से यहां एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि उन्नाव में जिला अस्पताल के पास नगर पालिका की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां नगर पालिका की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल नगर पालिका के बिजली विभाग की गाड़ी शहर में पुताई का कार्य कर रही थी। नशे में धुत ड्राइवर ने चलती गाड़ी को छोड़ गाड़ी से उतर गया, जिसके चलते वहाँ मौजूद गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बच गए। खबर पीलीभीत से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर पीलीभीत जिले के में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोर की निजी अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद किशोर के परिजनों और अस्पताल के स्टाफ के बीच यहां तीखी नोकझोंक के बाद मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां सड़कें इन दिनों सरदर्द बन चुकी हैं। यहां सड़कों की हालत जर्जर है। आपको बता दें कि यूपी की भी योगी सरकार के गड्ढामुख सड़क के वादे उन्नाव में धराशाही हो गए हैं। यहां पर अजगेन मोहन मार्ग पर पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गए हैं, जिसमें लोगों के आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से भी की, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। खबर आगरा से है, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूरा कोरोना महामारी के बढ़ते वायरस के बावजूद भी दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लागू हो चुका है, जिसका असर आगरा में भी देखने को मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के चलते आगरा आने वाले पर्यटकों की संख्या यहाँ कम हो गई है। पर्यटकों की संख्या कम होने से ताज नगरी आगरा में व्यापार भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। लगने से जो जनता यहाँ ताजमहल घूमने आ रही थी और बहुत शोर गुल हो रहा था, जाम हुए थे रास्ते, बुकिंग हुई, टिकट नहीं मिलता था, इतना रश रहता था, उतने ही सन्नाटा हो गया। अब तो कोई आदमजात भी नजर नहीं आ रहा है। 2-4-6 दिन से तो बहुत ही ज्यादा लॉस चल रहा है यहाँ पे। कोई ऐसा एक दिल्ली के कोरोना लगने से, दिल्ली का लॉकडाउन लगने से, वीकेंड लगने से आगरे के पर्यटक विभाग को बहुत लॉस हुआ है। कोई उससे इस तरीके से बेनिफिट नहीं मिला जैसे कि पहले शुरू में।
अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।